हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। आज हम लोग डे 3 वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं अपने स्पोकन इंग्लिश 30 डे चैलेंज का। आई होप आपने पीछे का दोनों वीडियो जरूर देखा होगा। अगर आप मिस कर गए हों तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। आज हम लोग डे 3 वीडियो में सिंपल प्रेजेंट स्टार्ट करने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कहाँ होता है, इसको हम लोग डिटेल में इस वीडियो में सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट में हम लोग सिर्फ इस तरह के एक्शंस को बोलते हैं जिसमें हमें बताना होता है कि ये रिपीटेड एक्शन है, ये अक्सर होता है। ऐसा नहीं कि बोलने के समय में परफॉर्म हो रहा है, या फिर वह एक्शन बोलने के समय में हो चुका या फिर होगा। जैसे वह क्रिकेट खेलेगा, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल चुका है। इस तीनों ही सेंटेंसेस में या तो एक्शन हो रहा है, या फिर हम बता रहे हैं कि होगा, या बताना चाह रहे हैं कि हो गया। इस तरह के सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में नहीं बताते। सिंपल प्रेजेंट में बताते हैं रिपीटेड एंड रेगुलर एक्शंस को, जो बार बार होता है। हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि ऐसा सब्जेक्ट करता है, ये एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म होता है, उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट एक टेंस है। टेंस में हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ते, सिंपली वर्ब के स्टडी को टेंस कहा जाता है। यानी वर्ब इसमें फंक्शन करता है, वर्ब अलग अलग फॉर्म में यूज होगा, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट में जनरली वर्ब का दो फॉर्म यूज होता है, V1 और V5। यानी इसमें हम लोग दो ही वर्ब यूज कर सकते हैं, V1 या V5। V1 को बेस फॉर्म कहा जाता है, यानी कोई भी वर्ब जैसे डिक्शनरी में लिखा जाता है वह V1 फॉर्म में होता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, खेलना इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, प्ले हो गया V1। बोलना स्पीक हो गया V1। यानी जो भी वर्ब आप याद किए हैं, या फिर जो भी वर्ब आप एनकाउंटर करते हैं किसी भी डिक्शनरी में, वो सारे के सारे V1 फॉर्म में होते हैं। इससे हम लोग V5 बना सकते हैं। V5 का मतलब होता है वर्ब 1 में S या ES लगाना। अगर वर्ब 1 में हम लोग S, कहीं कहीं पर ES लगता है, तो V5 बन सकता है। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, जैसे कि अगर किसी भी वर्ब के अंत में डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, औ हो, या फिर जेड हो, तो हम लोग ई एस यूज करेंगे। जैसे गो, इसमें लास्ट में औ है, इसका V5 बनेगा गोज। अगर किसी वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर्स हो, तो वाई को हम लोग आई में बदल देंगे, तब ई एस लगाएंगे। जैसे
ट्राई टी आर वाई, इसमें लास्ट में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आर आया, इसीलिए इसका भी फाइव होगा टी आर आई ई एस ट्राइज। बाकी सब में आप सिंपली एस यूज करेंगे, रेस्ट में एस यूज होता है। तो भी वन और भी फाइव दो ही वर्ड सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। भी वन हमेशा प्लूरल होता है और भी फाइव सिंगुलर होता है, यानी जब भी हमारा कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी वन यूज करेंगे, अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी फाइव यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट है भी वन यूज करेंगे, जैसे वी, वी मीन्स हम लोग, प्लूरल हुआ इसलिए इसके साथ हम लोग भी वन यूज करेंगे। यू, यू मीन्स आप और आप लोग दोनों होता है, यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, तो यू के साथ हम लोग भी वन यूज करेंगे। They, they means वे लोग, एक से ज्यादा है, ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ भी हम लोग भी वन यूज करेंगे। जैसे अगर हमें सेंटेंस बनाना हो तो हम लोग बोलेंगे वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, इसके अलावा कुछ भी प्लूरल हो, जैसे राहुल एंड कबीर, राहुल एक नाम हो गया कबीर, अब ये दो हो गया प्लूरल हो गया, तो इसके साथ भी हम लोग भी वन लगाएंगे और इसमें भी हम लोग प्ले यूज करेंगे, राहुल एंड कबीर प्ले, दो लोग हो गए इसलिए प्ले यूज होगा। इसमें एक्सेप्शन है आई, आई होता है सिंगुलर लेकिन वर्ब इसके साथ प्लूरल लगेगा। तो हमारा सेंटेंस होगा आई प्ले, आई के साथ प्लेज आप नहीं लगा सकते, ये सिंगुलर है आई, फिर भी वर्ड प्लूरल लगेगा, ये अपवाद है तो आप इसे एक्सेप्शन के तरह इसको देखेंगे, तो आई के साथ आप भी वन यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस होगा आई प्ले। अगर कोई सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो फिर हम लोग भी फाइव यूज करते हैं। जैसे वह एक लड़का या वह एक लड़की या इट निर्जीव चीज को बताने के लिए, एक चीज को बताने के लिए इट यूज करते, ही शी इट, उसके साथ हम लोग भी फाइव लगाते हैं। और जैसे मैंने भी वन प्ले लिखा तो इसका भी फाइव हो जाएगा प्लेज, तो सेंटेंस होगा ही प्लेज, She plays, it plays। कोई सिंगुलर नाम रहा, एक नाम रहेगा तो हम लोग भी फाइव लगाएंगे, जैसे कबीर एक नाम है, इसके साथ हम लोग भी फाइव लगाएंगे प्लीज, कबीर प्लेज। मम्मी मदर, मदर एक है तो मदर प्लेज, फादर एक, फादर प्लेज, लेकिन अगर पेरेंट्स बोलेंगे मम्मी पापा, दो लोग हो गए तो प्ले हो जाएगा, पेरेंट्स प्ले, यानी सिंगुलर के साथ हम लोग भी फाइव यूज करेंगे, भर में एस या ई एस लगाकर बनाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो भी वन यूज करेंगे, आई सिंगुलर होता है अपवाद है इसीलिए आई के साथ हम लोग भी वन यूज करेंगे जो कि प्लूरल होता है, फिर भी आई के साथ भी वन यूज करेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं भी वन और भी फाइव का, सब्जेक्ट के हिसाब से भी वन या भी फाइव हम लोग सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वर्क और वर्क्स, ये वर्क है भी वन, वर्क्स है भी फाइव, भी फाइव का मतलब उस वर्ब के अंत में एस या ई एस का लगा होना,
तो आई के साथ वर्क होगा या वर्क्स? आई अपवाद है, होना चाहिए वर्क्स, लेकिन आई के साथ वर्क होगा, आई वर्क, वर्क्स नहीं होगा, ये गलत है। नेक्स्ट वी, वी के साथ होगा वी प्ले, वी प्लेज नहीं होगा, वी प्लूरल है इसीलिए हम लोग भी वन लगाएंगे, वी प्ले। उसी तरह से यू के साथ थिंक और थिंक्स, थिंक होगा क्योंकि यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है, हमेशा भी वन यूज होता है, तो क्या होगा, यू थिंक। दे भी प्लूरल है, दे मीन्स वे लोग, इसीलिए दे के साथ भी हमेशा भी वन यूज होता है, लाइक होगा, लाइक्स नहीं होगा। ही मतलब वह, एक लड़का के लिए यूज करते हैं, एक मेल मेंबर के लिए यूज करते हैं, इसलिए ही सिंगुलर हुआ, और ही के साथ होगा ईट्स, सिंगुलर के साथ जब भी हम लोग वर्ब यूज करेंगे तो वी फाइव यूज करेंगे, यानी वर्ब में एस या ई एस लगाकर, तो ही ईट्स। शी मीन्स वह, एक लड़की, तो शी के साथ होगा सिंग्स। इट, इट से एक निर्जीव चीज के बारे में बात करते हैं, तो इट हैपेंस होगा, हैपन नहीं होगा। माय पेरेंट्स, अब यहां पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, माय पेरेंट्स मतलब मम्मी और पापा, दो लोग, इसीलिए लीव होगा, लिव्स नहीं होगा। लास्ट एग्जांपल है अमन, स्पीक और स्पीक्स, अमन एक लड़का का नाम है इसीलिए सिंगुलर हुआ, और इसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब यानी वी फाइव लगाएंगे, तो अमन स्पीक्स होगा। अब हम लोग बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट का यूज कहां करते हैं, तो सबसे पहला यूज, फैक्ट्स और थिंग्स दैट ऑलवेज हैपन, कोई भी चीज जो हमेशा होता है, अगर आप ऐसे सेंटेंस को बताना चाहते हैं तो सिंपल प्रेजेंट यूज करना होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि चीजें अभी हो रही है या हो चुकी या होगी, हम लोग सिंपली ये बताना चाहते हैं सिंपल प्रेजेंट से कि ये चीजें बराबर होती है, अक्सर होती है, यानी या तो ये यूनिवर्सल फैक्ट्स हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है, उसमें सिर्फ इतना बताना है कि ऐसा बार बार होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, पानी 100 डिग्री पे गर्म हो जाता है या खौल जाता है, तो हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन को बोलते हैं जिसको गिन नहीं सकते, पानी को आप गिन नहीं सकते, ऐसा नहीं बोल सकते एक पानी दो पानी, तो जिसकी गिनती नहीं होती उसको हम लोग अनकाउंटेबल बोलते हैं। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जब हमारा सब्जेक्ट बनता है तो उसको हम लोग सिंगुलर मान लेंगे, उसको एक मान लेंगे, तो वाटर सिंगुलर हो गया क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए वाटर के साथ बॉयल यूज नहीं करेंगे, बॉयल्स यूज करेंगे, वर्ब में बॉयल है, बॉयल मीन्स खोलना, वर्ब है, इसमें हम लोग एस लगा देंगे, तो वाटर बॉयल्स, कब, एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री पर पानी गर्म हो जाता है, तो इसको हम लोग, ये हमेशा ही होता है, यानी थिंग्स दैट ऑलवेज हैपन, एक ये फैक्ट है, इसीलिए हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट से बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वाटर कंटेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, यहाँ वाटर है इसीलिए कंटेंस होगा एस लगाकर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द
द सन, ये सिंगुलर है, एक के बारे में बात करते हैं, तो इसीलिए राइज में एस लग गया, राइजेज, राइज मीन्स उगना, सूरज उगता है कहाँ, इन द ईस्ट, पूरब में, सूरज पूरब में उगता है, ये सारी चीज़ें हमेशा ही होती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्स और थिंग्स दैट ऑलवेज हैपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, द अर्थ, ये सिंगुलर है, एक पृथ्वी, इसलिए मूव में एस लग गया, मूव्स राउंड द सन, सूरज के चारों ओर, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो ये जो चार एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चारों ही एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ें हमेशा होती है, इससे हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये चीज़ें बार बार होती है, इसीलिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट का फर्स्ट यूज़ है फैक्ट्स और थिंग्स दैट ऑलवेज हैपन, ऐसा फैक्ट या चीज़ें जो हमेशा होती है। ऐसा दोबारा मैं आपको बता दूं, इसमें ये नहीं बता रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही है या होगी या हो चुकी है, सिंपली ये बता रहे हैं कि ऐसा होता है, तभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। नंबर टू, हैबिट्स एंड रूटीन्स, हैबिट और रूटीन को आप कैसे इंग्लिश में बताएंगे? हैबिट और रूटीन यह भी रिपीट होता है, यानी हम सिंपली ये बताना चाह रहे हैं कि इस चीज़ की सब्जेक्ट को आदत है या सब्जेक्ट इस रूटीन को फॉलो करता है, इसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी स्मोक्स सिगरेट, शी सिंगुलर है इसीलिए स्मोक्स हुआ, स्मोक नहीं हुआ, क्या पीती है? सिगरेट, वह सिगरेट पीती है, यह हैबिट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधिका राधिका lies about her age. राधिका एक लड़की का नाम है, lie means झूठ बोलना, राधिका lies, राधिका झूठ बोलती है, about her age, अपने उम्र के बारे में, अपने एज के बारे में राधिका झूठ बोलती है, यानी उसका ये हैबिट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I go to bed at 10 o'clock. I हमारा सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंपली भर्ब लिखेंगे, एस ए एस लगाने की जरूरत नहीं है। I go to bed at 10 o'clock, मैं 10 बजे सोने जाता हूँ या 10 बजे मैं सोता हूँ, ये मेरा रूटीन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही गेट्स अप एट 6 AM, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए गेट्स अप हुआ, गेट अप मीन्स होता है सोकर उठना, ही गेट्स अप एट 6 AM, 6 बजे सोकर उठता है। He gets up at 6 AM. वह 6 बजे सोकर उठता है। Next.
शी ड्रिंक्स अल्कोहल, वह शराब पीती है. शी इसलिए ड्रिंक्स होगा, ड्रिंक्स अल्कोहल, वह शराब पीती है. तो ये हमारा था नेक्स्ट यूज, हैबिट्स एंड रूटीन. किसी भी आदमी का हैबिट या रूटीन आप सिंपल प्रेजेंट से बता सकते हैं इस तरह से. नेक्स्ट हमारा यूज है नंबर 3. रिपीटेड एंड रेगुलर एक्शन, जो चीज़ रिपीट होता है, जो बार बार होता है, ऐसे किसी भी इवेंट को, किसी भी घटना को बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, अमन दिल्ली में रहता है, तो इसे आप परमानेंट एक्शन भी मान सकते हैं. यानी परमानेंट एक्शन, रिपीटेड एक्शन, रेगुलर एक्शन, जो बार बार होता है, हमेशा होता है, ऐसे चीज़ों को सिंपल प्रेजेंट से बताया जाता है. मैंने एग्जांपल बोला, अमन दिल्ली में रहता है. अमन होगा, अमन सिंगुलर है क्योंकि एक लड़का का नाम है, तो लिव्स होगा. लिव मतलब रहना. तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब. लिव्स, अमन लिव्स कहाँ? In in Delhi, अमन दिल्ली में रहता है. मेरी बहन अंग्रेजी बोलती है. My sister, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और बोलना का अंग्रेजी होता है speak. तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना होगा, तो हम लोग लिखेंगे speak. और चूंकि माई सिस्टर सिंगुलर है, इसीलिए इसमें एस लग जाएगा. माई सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश. माई सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश, मेरी बहन इंग्लिश बोलती है. मैं कॉलेज पैदल जाता हूं. I walk to college. I हमारा सब्जेक्ट है, पैदल जाना का walk लिख सकते हैं. Walk to मतलब पैदल जाना किसी जगह पे. कहाँ? College. So I walk to college. सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर verb आया, फिर जो बच जाता है उसको लास्ट में लिखेंगे. I walk to college. मैं कॉलेज पैदल जाता हूँ. Next. He eats fish. वह मछली खाता है. सब्जेक्ट यहाँ ही है, सिंगुलर है, इसीलिए eats होगा verb. He eats, वह खाता है मछली, fish. बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है, सब्जेक्ट लिखने के बाद वो ऑब्जेक्ट को पहले और फिर वर्ब को लिखते हैं, क्योंकि हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब लास्ट में. जैसे अगर इसका मैं हिंदी में बोलूं तो हम लोग बोलते हैं कि वह मछली खाता है. इसीलिए जब इंग्लिश में कोई भी हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट बोलते हैं तो उल्टा कर देते हैं, वो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे यहाँ ही है, सब्जेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, लिखते हैं ही फिश एंड देन इट्स और ईट समथिंग. वो गलत है. इंग्लिश में हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं. तो हमारा सही सेंटेंस होगा ही इट्स फिश, ना कि ही फिश इट्स, वह गलत है. तो हमेशा ही हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद जो बच गया है उसको लास्ट में लिखेंगे. तो सिंपल प्रेजेंट से हम लोग रिपीटेड एक्शन, जो बार बार परफॉर्म होता है, उसके बारे में बताते हैं. दोबारा मैं बता दूं, इससे ये कतई नहीं बताते कि कोई एक्शन कब होगा या हो गया या हो रहा है. इससे हम लोग सिंपली रिपीटेड एक्शन को बताते हैं, जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा होता है. दैट्स इट. तो सिंपल प्रेजेंट का बेसिकली ये 3 रूल है, 3 यूजेज है. ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे टाइम एक्सप्रेशंस, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. यहां पर
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जनरली पांच हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ऑलवेज, इसका हिंदी होता है हमेशा, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी, यूजुअली प्राय, ऑफन अक्सर। अब अगर हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करना हो तो हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज मेन वर्ब से पहले करेंगे। Usually before main verbs, यानी V1 और V5, V1 या V5, अगर हम simple present की बात करें तो V1 या V5 से पहले इस पांच word का use करेंगे, इसे adverb of frequency बोला जाता है। इसका मतलब कितनी बार, बार बार, यानी बारंबारता बताने के लिए हम इस time expressions का use करते हैं। Example के तौर पे, She usually arrives late for college. She, इसीलिए यहां arrives होगा। She singular है इसलिए arrive में s या es लगता है verb में, तो arrive है इसमें s लगा, arrives। She arrives, वह पहुंचती है, यानी arrives ये V5 है। और इसमें हमने time expression use किया usually, तो usually arrive से पहले use हुआ। She usually arrives. कैसे? लेट। कहां पर? फॉर कॉलेज, कॉलेज में वह प्राय लेट से पहुंचती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I sometimes go to the cinema on Sunday. I है इसलिए go हुआ, I go, और हमने sometimes हमें use करना था इसलिए go से पहले, I sometimes go, मैं कभी कभी जाता हूँ, कहाँ? To the cinema on Sunday, Sunday को मैं कभी कभी cinema देखने जाता हूँ। Next example, He never drinks milk after dinner. He singular है इसीलिए यहां पर होगा drinks, और never use करना था तो drink से पहले never use किए। He never drinks, वह कभी नहीं पीता क्या? Milk after dinner, dinner के बाद वह दूध कभी नहीं पीता। He never drinks milk after dinner. तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली पांच है, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, यूजुअली, ऑफन। इसका यूज हम लोग V1 या V5 के पहले करेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव में, अगर आपको सेंटेंस बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। सो नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए सिंपली आप नॉट नहीं लगा सकते, इसे गलत माना गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो हम लोग यूज करेंगे डू नॉट प्लस V1, यानी जैसे
डोंट प्ले, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम लोग यूज करेंगे डजंट, doesn't play. I के साथ हम लोग don't use करते हैं, don't plus be1, जैसे don't play. तो अब हम लोग कुछ examples देखते हैं. जैसे कविता मछली नहीं खाती है, तो कविता हमारा सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है. तो यहां पर हम लोग कविता के बारे में बात करें तो कविता सब्जेक्ट हो गया, कविता सिंगुलर है इसीलिए. और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कविता डजंट. उसके बाद हमें वर्ब देना है, भीवन ही यूज होगा, चाहे हम डोंट यूज करें या डजंट यूज करें. कविता डजंट. खाना का अंग्रेजी होता है ईट और मछली का फिश. तो सेंटेंस होगा कविता डजंट ईट फिश, कविता मछली नहीं खाती. कविता सिंगुलर था इसलिए हमने डजंट यूज किया. और डोंट हो या डजंट हो आपको भीवन ही यूज करना है, तो डजंट के तुरंत बाद भीवन, फिर जो बच जाता है उसको ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे फिश. कविता डजंट ईट फिश. नेक्स्ट एग्जांपल, He doesn't speak English. यहां पर he हुआ, singular है इसीलिए हमने doesn't use किया. He doesn't, उसके बाद verb speak, क्या English. English object है इसीलिए last में लिखा. He doesn't speak English, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है. Next. My parents don't like cricket. My parents ये plural है, मेरे मम्मी पापा, इसीलिए यहाँ पर don't use होगा. My parents don't, उसके बाद verb use होगा like. Like means पसंद करना. Cricket, मेरे मम्मी पापा cricket पसंद नहीं करते हैं. Next example. We don't walk here. हम लोग यहाँ काम नहीं करते हैं. We plural है इसीलिए यहाँ पर don't होगा. We don't, काम करना verb work हो जाएगा. और जो last में बचा उसको last में लिखेंगे here. We don't walk here. हम लोग यहाँ काम नहीं करते हैं. एक और example. They don't play cricket. They है, plural है, they means वे लोग, इसलिए don't होगा. उसके अभाव play, they don't play, वे लोग नहीं खेलते हैं cricket, वे लोग cricket नहीं खेलते हैं. यानी negative में अगर आपको sentence बनाना हो तो आपको don't या doesn't use करना पड़ेगा. यानी सबसे पहले आपको subject लिखना है और subject के हिसाब से don't और doesn't, उसके बाद आपको वर्ब लिखना है. ओनली भीवन लिखना है, इसमें V5 यूज नहीं होगा क्योंकि आपने डोंट और डजंट यूज कर लिया. डोंट और डजंट के बाद वर्ब हमेशा भीवन होता है. तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के हिसाब से डोंट या डजंट, उसके बाद भी वन जो बच जाएगा उसको लास्ट में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखा जाता है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा और सही भी होगा ग्रामेटिकली। तो नेगेटिव सेंटेंस का मैं आपको ध्यान रखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डोंट यूज करना है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट, और डोंट और डजंट दोनों के बाद भी वन आपको यूज करना है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन कैसे पूछेंगे सिंपल प्रेजेंट की मदद से। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। और ये दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन और दूसरे को बोलते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो सबसे पहले यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, स्ट्रक्चर है। वो सबसे पहले आपको लिखना होगा डू या डज, और फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, और फिर भी वन जो बच जाएगा उसको लास्ट में, ऑब्जेक्ट को लास्ट में। यानी आपको डू या डज से सेंटेंस स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आपको स्टार्ट करना है डू से, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तब भी आपको डू से, लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको स्टार्ट करना है डज से। और अगर आपसे कोई यस नो क्वेश्चन पूछता है, अगर आप इसका रिप्लाई करना चाहते हैं तो रिप्लाई दो ही हो सकता है, यस या नो। तो आपको लिखना है सिंपली यस कॉमा प्रोनाउन प्लस डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर नो कॉमा प्रोनाउन प्लस डोंट या डजंट, डोंट या डजंट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहां प्रोनाउन का मतलब है आई, वी, यू, दे, शी, ही और इट। यानी आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए यस नो क्वेश्चन, तो उसका रिप्लाई में आप यही सात प्रोनाउन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डज कोमल स्मोक सिगरेट, यहां पर कोमल सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक लड़की का नाम है, इसीलिए यहां पर डज हुआ। डज कोमल सिंगुलर सब्जेक्ट के कारण हमने सेंटेंस को डज से स्टार्ट किया, तो डज कोमल। उसके बाद आपको वर्ब लिखना है भी वन ऑलवेज, और जो बच जाएगा यानी ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखना है। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये डू या डज से स्टार्ट करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अगर इसका रिप्लाई आपको करना है, क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। यानी डज कोमल स्मोक सिगरेट, क्या स्मोक्स, क्या कोमल सिगरेट पीती है, आप बोल सकते हैं हाँ या ना, इसलिए इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। और यस नो क्वेश्चन हमेशा ही स्टार्ट होगा सिंपल प्रेजेंट में डू या डज से। तो यहां डज से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है ये यस नो क्वेश्चन है, तो जवाब होगा यस कॉमा कोमल, चूंकि लड़की का नाम है इसलिए प्रोनाउन कोमल का होगा शी, और यहां पर लिखना है शी के कारण हो जाएगा डज।
अगर आपको नेगेटिव रिप्लाई देना है, बोलना है नहीं पीती, तो आपको बोलना होगा नो कॉमा शी डजंट। एक और एग्जांपल, Do you take a bath every day? यहां पर सब्जेक्ट हमारा यू है, इसीलिए डू से सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसके बाद आपको वर्ब वन लिखना है। डू यू टेक क्या अ बाथ एवरी डे, क्या आप रोज नहाते हैं? जवाब होगा यस। और यू अगर आपसे कोई पूछता है आपका नाम क्या है, तो आप जवाब में बोलते हैं मेरा नाम, आप नहीं बोलते आपका नाम एक्स है, तो यू बदल जाता है आई में यस आई, और आई के साथ हम लोग डू लगाते हैं, डज नहीं, इसलिए होगा यस आई डू फुल स्टॉप, या नो आई डोंट। इस तरह से हम लोग यस नो क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं यस नो क्वेश्चन का। Does he work here? क्या वो यहां काम करता है? Does से sentence start हुआ, क्योंकि subject he है और इसके बाद भी one जो बचा हुआ था last में लिखा गया। Does he work here? क्या वो यहां काम करता है? Next. Do you eat fish? क्या आप मछली खाते हो? यहां सब्जेक्ट यू है, इसीलिए डू से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, उसके बाद भर, उसके बाद बचा हुआ वर्ड फिश। नेक्स्ट, Does your father speak English? क्या आपके पापा अंग्रेजी बोलते हैं? यहां पर your father सिंगुलर है, इसलिए यहां पर does से सेंटेंस स्टार्ट हुआ। Does your father speak means बोलना, उसके बाद verb आया और English जो बच गया उसको लास्ट में लिखे, सेंटेंस हुआ Does your father speak English? क्या आपके पापा अंग्रेजी बोलते हैं? तो यस नो क्वेश्चन पहचानना बहुत ही आसान है। अगर सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस आपको बनाना है यस नो क्वेश्चन, तो वह स्टार्ट होता है डू या डज से। कोई भी सेंटेंस अगर डू या डज से स्टार्ट होगा तो वह निश्चित रूप से यस नो क्वेश्चन होगा। अगर आपको उसका रिप्लाई करना है तो शॉर्ट रिप्लाई, स्टैंडर्ड रिप्लाई इसी को माना गया है, इसलिए आप यस या नो में दे सकते हैं। दोनों ही जवाब देने की जरूरत नहीं है, या तो जवाब यस में होगा या नो में होगा। मैंने यहां पर एग्जाम्पल में दोनों दे दिया आपके समझने के लिए, ऐसा नहीं कि आपको दोनों ही बोलने हैं, आपको एक बार में एक ही रिप्लाई करना है, या तो यस या नो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं जिसका रिप्लाई हाँ या ना में आप नहीं दे सकते। जैसे कोई पूछता है आप कहाँ रहते हैं, आप इसका जवाब ये नहीं बोल सकते हाँ ना, आपने क्या खाया, आप हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते। जिस क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, उसको हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, ये इस तरह के क्वेश्चंस या तो W से स्टार्ट होते हैं या H से स्टार्ट होते हैं। जनरली ये 9 वर्ड्स ही हैं इंग्लिश में, आप अगर 9 वर्ड्स को मेमोराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको WH क्वेश्चन बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं उस 9 वर्ड्स को अभी बता दे रहा हूं। Who, whom, who मतलब होता है कौन, whom किसको, when कब,
वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, व्हाट क्या, विच कौन सी, हूज किसका, हाउ कैसे, यानी हु, हुम, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हूज, विच, हूज, हाउ, ये टोटल 9 वर्ड्स हैं जिसकी मदद से हम लोग WH क्वेश्चंस बनाते हैं। अब इन वर्ड्स के मदद से हम लोग कुछ इसके डेरिवेटिव भी बनाते हैं, कुछ और नया वर्ड्स बनाते हैं, जैसे हाउ मच, कितना, हाउ मेनी, इसका भी हिंदी होता है कितना, हाउ ऑफन, कितनी बार, हाउ लॉन्ग, कितना समय, हाउ फार, कितनी दूर, इसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। ये 5 मैंने लिखा, 5 हाउ से स्टार्ट हुआ, यानी WH क्वेश्चंस बनाने के लिए मोटे तौर पे 9 ये और 5 इसके डेरिवेटिव 14 वर्ड हम लोग यूज करते हैं। जब भी आपको WH क्वेश्चन बनाना है तो आप यस नो क्वेश्चन को WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे और आपका WH क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वह कहां रहती है, कहां का अंग्रेजी होगा वेयर, और इसके बाद सबसे पहले आप वेयर लिखती है, अब आपको लिखना होगा डू या डज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है शी, इसीलिए शी सब्जेक्ट से पहले आपको डू या डज लिखना होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए डज होगा, वेयर डज शी, तो यहां पर डू डज लिखना होगा और यहां पर आपको वर्ब वन लिखना होगा हमेशा, वेयर डज शी लीव, वह कहां रहती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप सोकर कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, यहां सब्जेक्ट यू है इसीलिए यू से पहले आपको डू लिखना पड़ेगा, व्हेन मींस कब, कब के लिए आप व्हेन लिखे, व्हेन डू यू एंड देन वर्ब गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, आप सोकर कब उठते हो। नेक्स्ट, Where does your father work? यहां सब्जेक्ट है your father, सिंगुलर है इसीलिए इसके पहले does, और कहां का अंग्रेजी होगा where, where does your father and then verb work, where does your father work, आपके पापा कहां काम करते हैं। Next, आप यहां क्यों काम करते हैं, क्यों का अंग्रेजी why, सब्जेक्ट यू है इसीलिए डू एंड वर्ब वर्क, why do you work here, आप यहां क्यों काम करते हैं। नेक्स्ट,
हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, हाउ मच मीन्स कितना पानी, कितना, उसके बाद आपको कोई भी नाउन लिखना होगा, हाउ मच वाटर कितना पानी, सब्जेक्ट यू है, यू से पहले डू और यू के बाद वर्ब वन, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, कब, इन अ डे, एक दिन में आप कितना पानी पीते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मेनी आवर्स कितना घंटा, यहाँ सब्जेक्ट ही है इसलिए ही से पहले डज और ही के बाद भर स्टडी आया. हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी इन अ डे, वो एक दिन में कितना घंटा पढ़ता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, What does your father do? यहाँ पर सब्जेक्ट है your father. इसीलिए इससे पहले हमने does लगाया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है. क्या का अंग्रेजी what होता है, उसके बाद verb one do आया. What does your father do? आपके पापा क्या करते हैं. इस वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट सीखा. सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे हम यस नो क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाते हैं. अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका रिप्लाई कैसे कर सकते हैं, यस नो क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसको हमने डिटेल में इस वीडियो में सीखा. साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि हमें अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी टाइम एक्सप्रेशन यूज करना है तो हम लोग कैसे सेंटेंस में उसका यूज करेंगे. सिंपल प्रेजेंट का यूज हम लोग रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए करते हैं, यानी वह एक्शन बोलने के समय में परफॉर्म हो रहा है, हो गया या होगा, ऐसा कतई नहीं है. इस सिंपल प्रेजेंट का यूज सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि एक्शन परफॉर्म किया जाता है, सब्जेक्ट ऐसा करता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं. अगर इस वीडियो में आपको फिर भी कोई डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एक एक डाउट का, एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा. अब आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है. डेली सेंटेंसेस, जो रियल लाइफ सेंटेंसेस हैं, उसको आपको इंग्लिश में लिखना है. जहां भी सिंपल प्रेजेंट यूज होता है जिन तरह के सेंटेंसों में, उसको आपको लिख करके मुझे कमेंट करके बताना भी है. इस वीडियो में इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.